अहमदाबाद जंक्शन पर मिली एक लाश सुबह 8 बजे कर्णावती एक्सप्रेस जब प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आई तो उसकी बोगी नंबर S9 से संगीन हालत में एक लड़की की लाश मिली है। सूत्रों के अनुसार लाश स्टील के बक्से में डिकम्पोज कंडीशन में पाई गई है। अब देखना ये है कि लड़की कौन थी और उसकी लाश वहां तक कैसे पहुंची। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बैठ जाइए। आप लोगों को ये बताने की जरूरत नहीं कि ये मीटिंग यहां क्यों बुलाई गई है। ऑलरेडी मीडिया ने बहुत हाइप दे दिया इस केस को, और दे भी क्यों ना, ऐसा मर्डर अहमदाबाद में पहली बार हुआ है। इवन पूरे इंडिया में ऐसा पहला केस होगा शायद जहां एक मर्डरर ने इतनी हिम्मत दिखाई है, और हमेशा की तरह पुलिस को ही इसका जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। सर, मीडिया और पुलिस का तो ये पुराना रिश्ता है। बाय द वे, वी हैव गॉट टू बेस्ट ऑफिसर फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया जो आज से इस केस को संभालेंगे। आप है मिस्टर सौरभ पांडे और आप है मिस्टर गुंजन हुडा। वेल बॉयज, अब हमारी लाज और इस स्टेट की आन आज से आपके हाथों में है। चिंता ना करें सर, हम उस दरिंदे को 2 दिन, सिर्फ 2 दिन में सलाखों के पीछे कर देंगे। अरे जेल में जाए मेरी जुत्ती, उसको तो हम यूं फाड़ देंगे और अंदर भर देंगे भूसा, और हरियाणा के किसी खेत में टांग देंगे उसको। गुड स्पिरिट ऑफिसर्स, बट जितना जोश आप अभी दिखा रहे हो उतना ही जोश इन्वेस्टिगेशन में भी दिखना चाहिए। अंडरस्टैंड? बिल्कुल सर, डेफिनेटली सर। वेल, ये इस साल में अहमदाबाद की सबसे बड़ी न्यूज है और आपने आ खबर पर पूरू जोर राखवानू छे। आनी अंदर सस्पेंस एलिमेंट घणुज छे। What I am trying to say you is, શું જોઈએ છે રોહન આપણે? સસ્પેન્સ? હા, હું આજ કહેવા જઈ રહ્યો છું તમને, સમજી ગયા બધા? યસ સર. શું થયું? કેમ મોડું ડાઉન છે તારું? સાંભળ્યું નહીં, શું કહેવા માંગે છે સાહેબ? સસ્પેન્સ એલિમેન્ટ જોઈએ છે, જર્નલિઝમની તો કોઈ વેલ્યુ જ નથી. અવર જોબ ઇઝ ટુ શો ધ ટ્રુથ ટુ ધ સોસાયટી, નોટ ટુ શો ધેમ ધ ઇલ્યુઝન. अरे, એમનો કહેવાનો મતલબ બીજો હતો. વો સિર્ફ ઇતના કહેના ચાહતે થે કે યે કેસ મે સસ્પેન્સ જ્યાદા હૈ ક્યુંકી યે કેસ અભી તક સોલ્વ નહીં હુઆ હૈ, સો હમે પલ પલ કી ખબર લોગો તક પહોંચાની હૈ અન્ટિલ વી સોલ્વ ધ કેસ. અરે એસે હી થા તો વૈસે ભી કહે સકતે થે જૈસે તુમને કહા, સસ્પેન્સ પે ઇતના જોર ક્યું દિયા? ટ્રાય ટુ રીડ બિટવીન ધ લાઇન્સ ડિયર. सर, वो लड़की कौन थी, उसकी शिनाख्त हुई? देखिए, अभी इनिशियल लेवल पर हम कुछ कह नहीं सकते, वी आर येट टू स्टार्ट अवर इन्वेस्टिगेशन. कातिल जुर्म करके फरार हो गया और आप कह रहे हैं कि अभी तक इन्वेस्टिगेशन शुरू भी नहीं हुआ? ऑलरेडी 24 घंटे हो चुके हैं पुलिस को डेड बॉडी मिले हुए. देखिए, इन्वेस्टिगेशंस के कुछ नियम होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, वी आर बाउंड टू फॉलो देम. लेकिन विश्वास रखिए, वी विल रीच टू द कोर रीजन ऑफ दिस मर्डर. इज दिस एन एक्सक्यूज या फिर अहमदाबाद पुलिस का वादा? अहमदाबाद पुलिस का तो पता नहीं, लेकिन सौरभ पांडे इतना दबंग तो है ही कि वो वादा देता नहीं, वादा निभाता है. क्या हुआ पांडे जी, इतने चुप क्यों बैठे हो? अरे क्या बताएं यार, कल इतने जोश में हमने सर के सामने बोल तो दिया, लेकिन हम समझ में नहीं आ रहा कि इन्वेस्टिगेशन शुरू कहाँ से करें. साला कोई सुराग भी तो नहीं छोड़ा उसने. पांडे जी, केस काफ़ी पेचीदा है, लेकिन कोई बात नहीं, आसान केस सॉल्व करने में मज़ा भी क्या है. हाँ वो तो है सर, लेकिन केस का कोई पेच तो मिलना चाहिए, कोई सिरा. पांडे जी, एक पुरानी कहावत है, चोर कितना भी शातिर क्यों ना कहीं कोई गलती ज़रूर करता है. क्या इस केस में भी आपको कोई चांस लगता है सुराग मिलने का? हाँ क्यों नहीं, अभी इन्वेस्टिगेशन को तुल तो पकड़ने दीजिए, फिर देखिए कहीं ना कहीं कोई लिंक तो जरूर मिल जाएगी. क्या हेलो सर, गुड आफ्टरनून. वेल हेलो कबीर, सो क्या अपडेट्स है? सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है. मेन चीज रिपोर्ट में यह है कि लड़की को मरे हुए सिर्फ 24 घंटे ही हुए हैं. इट मींस मर्डर 24 आवर्स पहले हुआ है.
और बॉडी को इंटेंशनली डिकम्पोज किया गया। एग्जैक्टली सर। और बॉडी से कुछ रिकवर हुआ, लाइक कुछ भी, घड़ी, पर्स, एनीथिंग? यस सर, एक गोल्ड की चैन और एक रिंग मिली है। बट ताजू की बात यह है कि ये दोनों चीज पोस्टमार्टम के वक्त लीवर के पास मिली थी। क्वाइट पॉसिबल सर, बॉडी इतनी गल जो चुकी है। लेकिन सर, चैन और रिंग कई जगह से काली पड़ चुकी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला है कि बॉडी को इंटेंशनली डिकम्पोज करने के लिए एसिड डाला गया था। और उसी दौरान चेन और अंगूठी भी बॉडी के अंदर चली गई होगी। वेल डन कबीर। ये वही लाइन है जहां पे कर्णावती पार्क्ड रहती है। एरिया भी सुनसान लग रहा है और लोग भी कम आते जाते हैं यहाँ पर। इसी बात का फायदा उठाया होगा उसने और रात में ही बॉडी रख कर गया होगा। बड़ी सफाई से जुर्म को अंजाम दिया है इसने। कम से कम लड़की की आइडेंटिटी भी पता चल जाती ना, तो अपना काम थोड़ा आसान हो जाता। यही तो वो नहीं चाहता था, तभी तो उसने बॉडी की ये हालत कर दी ताकि बॉडी के बारे में हमें कुछ भी पता ना चल सके। अरे तुम यहाँ कैसे? तुम वही हो ना जिसे सिस्टम का काम मजाक लगता है? क्या करें सर, हमारा तो काम है काउंटर क्वेश्चन करना। आप बंद हवालात में करते हो और हम खुलेआम। गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, इसी पे तो हमारी रोजी रोटी चलती है सर। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जब हमें पता चला कि दो जाबाज ऑफिसर यहाँ तहकीकात करने आने वाले हैं, तो हम भी इसी सोच में चले आए कि हमें भी कोई ब्रेकिंग न्यूज़ मिल जाए। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ आने वाले? सर हम मीडिया वाले, हमारी नाक थोड़ी स्पेशल होती है। हम पहले से ही सूंघ लेते हैं कि आज हमें ब्रेकिंग न्यूज़ कहाँ से मिलने वाली है। Leading a peaceful protest, but he died after police countered them with a lathi charge. All this happening in Kolkata on a day when the chief minister was busy attending the IPL ceremony. Saurabh, aaj aap free ho to hum baar jaakar khana khaye? Haan, kyun nahi? Tum taiyar ho jao, fir chalte. Thank you, main bhi aayi. हाँ सर, बिल्कुल सर, फ्री हूँ। हाँ क्यों नहीं आ सकता? जी सर। पांडे जी, हमें ये केस जल्द से जल्द सॉल्व करना है, वरना हम दोनों की वाट लगेगी। पूरे स्टेट की आंखें हम पर, और ऊपर से मीडिया भी घात लगा हुए बैठा है। हाँ सर, वो सब तो ठीक है, लेकिन कोई ब्रेक थ्रू मिले तब ना। साला कोई सिरा भी तो हाथ नहीं लग रहा हमारे। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ब्रदर। केस टफ है पर करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे केसेस करियर के स्टार्टिंग में आसानी से नहीं मिलते। अगर इसे क्रैक कर दिया ना, देन डायरेक्ट लंबा प्रमोशन। लेकिन ये प्रमोशन का रास्ता काफ़ी कठिन है सर। आजकल तो आसानी से भगवान भी दर्शन नहीं देते। पिलवानी तो पड़ेगी ब्रदर। फिलहाल तो मैं कल के बारे में सोच रहा हूँ। कल? कल क्या होने वाला है? प्रेस कॉन्फ्रेंस। कल हमें अपडेट्स देने हैं इन्वेस्टिगेशन के बारे में। हे भगवान, और आप मुझे अब बता रहे हैं। सर जल्दी सर मेरा पैक बनाइए। एक तो आज क्या कहना है आपका? तो क्या अपडेट्स है इन्वेस्टिगेशन की? हाँ, हम पूरे जोश के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जल्दी कातिल तक पहुंच जाएंगे। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे आप लोगों का एक पैटर्न डायलॉग हो गया हो। हम लोगों को कई क्लूज मिले हैं। वी आर स्टिल वर्किंग ऑन इट। पहला ब्रेक थ्रू ये है कि पोस्टमार्टम से हमें पता चला है कि बॉडी को इंटेंशनली डिकम्पोज किया गया है। आगे जैसे लीड्स मिलते जाएंगे, विल कीप इन्फॉर्मिंग यू। गुंजन जी,
क्या अहमदाबाद क्राइम ब्रांच वास्तव में दिए गए वादों पर खरी उतर पाएगी या ये सिर्फ कहने भर की बातें हैं? अहमदाबाद की जनता को आप लोगों से काफी उम्मीदें हैं। तो ये थे गुंजन हुड़ा, जो इस केस की तहकीकात कर रहे हैं। उनके मुताबिक केस में डे बाय डे प्रोग्रेस हो रही है। अब देखना ये है कि अहमदाबाद पुलिस क्या जल्द ही ये केस सॉल्व कर पाती है या नहीं। अपना समाचार से मैं रश्मि पटेल। खाक पकड़ेंगे साले, नौसिखिया साले। आई नो यह केस आपके करियर में बहुत जल्दी आया, बट दैट्स द कैच। आप लोगों को यह प्रूव करना होगा कि हर बड़ी समस्या को सुलझाने के लिए एक्सपीरियंस होना जरूरी नहीं। यस सर। और एक बात, इस केस में आप लोगों को सबसे पहले एक कड़ी सुलझानी होगी, और वो यह है कि लड़की की आइडेंटिटी का पता लगाना। दैट्स ऑल। एक बार ये पता लग जाए कि वो लड़की कौन थी, देन कैसे सॉल्व, बाकी जवाब आपको अपने आप मिल जाएंगे। यस सर। गुंजन जी, कल सर के सामने हमने यस सर तो कह दिया, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कि इस गुत्थी को सुलझाएं कैसे। पांडे जी, अगर हम ऐसे ही बातों में टाइम वेस्ट करते रहे तो इस गुत्थी को कभी सुलझा नहीं पाएंगे। डोंट माइंड, बट अब हमें केस सॉल्व करने के बारे में ज़्यादा डीपली सोचना पड़ेगा, ना कि केस ना सॉल्व करने के बारे में सोच के। जी सर, आप सही कह रहे हैं। कहाँ साला हम भी हर बार अपनी फ्रस्ट्रेशन लेकर बैठ जाते हैं। चलिए सर, मिलकर अब इस गुत्थी को सॉल्व करते हैं। ये हुई ना बात पांडे जी। गुड इवनिंग सर। बोलिए, कहाँ तक पहुँची आप लोगों की इन्वेस्टिगेशन? आप लोगों के पास यही एक सवाल है क्या? अब एक जर्नलिस्ट से आप और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? यार तुम बार बार इंटरव्यू लेने क्यों आ जाते हो? वैसे ही कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको मीडिया वालों से इतनी दुश्मनी क्यों है? हम आप लोगों की मदद भी तो कर सकते हैं। रोज रोज हमारा पीछा करना छोड़ दो, वही बहुत बड़ी मदद होगी। आप हमें काम से गद्दारी करने का कह रहे हैं, ये तो कोई मदद नहीं हुई। अच्छा, तो और क्या मदद कर सकते हैं आप हमारी इन्वेस्टिगेशन में? अब कातिल को ढूंढने में तो हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, इसमें तो आप लोग माहिर हो। पता था, आप लोग सिर्फ बातें बनाना जानते हो। शब्दों से तो खेलना हमारा काम है। देखो यार, एक तो वैसे ही बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब है, कहीं और ज़्यादा बिगड़ गया ना तो कहीं इतने दिनों का फ्रस्ट्रेशन आप पर ही ना निकल जाए। तो आप हमें जाने को कह रहे हैं? ठीक है, सही कहते हैं लोग, पुलिस वालों की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी। अच्छा हुआ साला चला गया। कूल डाउन सर, डोंट वरी, कूल डाउन। भक्तो, जीवन एक बहुत विचित्र संघर्ष है। यहाँ सब रोज किसी ना किसी वजह से संघर्ष करते हैं, लेकिन इसमें संघर्ष वाली कौन सी बात है? जो कुछ होता है हमारी नजरों के समक्ष ही होता है, लेकिन हम उसे देखने की कोशिश नहीं करते, खोजने की कोशिश नहीं करते। क्या सर, आप भी ना, कब तक चलेगा ये ड्रामा? क्या करें यार, मुझे भी ये सब पसंद नहीं है, लेकिन तेरी भाभी है ना, वो इसकी दीवानी है। छोटी छोटी वस्तु में दीवानी नहीं, बड़े बड़े भक्त नहीं कहते। हाँ वो जो भी कह लो, लेकिन हम सिर्फ बड़ी बड़ी चीजों के पीछे ही भागते हैं। छोटी छोटी चीजों पर तो हमारा ध्यान ही नहीं जाता, लेकिन जीवन का सच्चा रहस्य तो इन छोटी छोटी बातों में ही है। कुछ लोग कहते हैं कि जीवन एक रहस्यमय गाथा है। रहस्य तो छोटी छोटी चीजों में है। कौन सी बात है? बात तो सही है। मिल गया क्लू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग कबीर। आपने वो चीज़ें निकाली जो मैंने आपसे फ़ोन पर कही थी? जी सर, वो चैन और रिंग थी सिर्फ, मैंने निकाल के रखी है। गुड, दिखाइए तो। जी सर, लीजिए सर। ओके
IH ज्वेलर्स। यस, मिल गया सर, हमें एक और क्लू मिल गया है, थैंक्स टू भाभी जी, क्योंकि उनकी जगत गुरु बाबा की स्पीच से ही हमें हिंट मिली थी। गुड गुड, बढ़िया है। तो फिर आगे क्या प्लान है? चलिए सर, आप तैयार रहिएगा, हमें निकलना है IH ज्वेलर्स के। ओके। गुड मॉर्निंग सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? हम लोग क्राइम ब्रांच से आए हैं, आपसे थोड़ी पूछताछ करनी है। पूछताछ? हाँ, अहमदाबाद मर्डर मिस्ट्री से रिलेटेड। ये चेन और अंगूठी आपकी शॉप से खरीदी गई है? हाँ। हमें जानना है कि ये चेन और अंगूठी किसने खरीदी है और उसका पूरा एड्रेस क्या है, कब तक मिल सकती है डिटेल्स? जस्ट 2 मिनट सर। ये लीजिए सर। वेरी इंप्रेसिव। पर आप लोग ये पता कैसे लगाते हैं कि कौन सी ज्वेलरी किसने खरीदी और कब? एक्चुअली सर, हमारे हर एक प्रोडक्ट पर एक कोड छपा होता है, उस कोड को हम जैसे ही डेटा में डालते हैं हमें प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, बायर की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि उसने कब खरीदा, उसका पूरा एड्रेस, उसका पूरा नाम, कब खरीदा, कौन से टाइम पर खरीदा, सब कुछ। सर, हमने पहली घड़ी तो सुलझा ली है और लड़की की आइडेंटिटी का भी पता चल गया। गुड, अब चलते हैं वो पते पे। ओके सर। गुड इवनिंग सिस्टर, क्या आप ही यहाँ की वार्डन है? जी मैं ही हूँ, आप कौन? जी हम क्राइम ब्रांच से, अहमदाबाद मर्डर केस की तहकीकात करने आए, आपसे कुछ पूछना था। ओके, बोलिए, हाउ कैन आई हेल्प यू इन दिस? हमारे पास कुछ डिटेल्स है माही नाम की लड़की की, उसका एड्रेस इसी हॉस्टल का है। या माही यहीं पर रहता है, बहुत अच्छा लड़की है। जी माफ कीजिएगा सिस्टर, बट वो लड़की माही है जिसका मर्डर हुआ है। ओ माय जीसस, व्हाट आर यू सेइंग? क्या आपके पास उसकी कोई फोटोग्राफ होगी? हाँ है, हॉस्टल रजिस्ट्रार में। ग्रेट, क्या ये फोटोग्राफ हमें मिल सकती है? यस श्योर। ग्रेट, हमें फोटो ही मिल गई और कड़ी से कड़ी ही मिलती जा रही है। माही का कोई बॉयफ्रेंड था जो यहाँ आता जाता हो? आई डोंट नो, माही बहुत रिजर्व लड़की था, ज़्यादा बात नहीं करता था, अपने काम से मतलब रखता था, कभी लेट नाइट भी नहीं आता था, और वैसे भी यहाँ बॉयज़ आर नॉट अलाउड। वो इतने दिनों से मिसिंग है, आप लोगों ने कभी जानने की भी कोशिश नहीं की कि वो अपने रूम पर इतने दिनों से क्यों नहीं आ रही है? लुक मिस्टर, ये स्कूल का या कॉलेज का हॉस्टल नहीं है, ये वर्किंग गर्ल का हॉस्टल है, हम यहाँ पर किसी का पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेता है। और कितनी लड़की लोग महीना महीना बाद आता है, वो प्लेन वाला लड़की लोग, अब हम किस किस का ध्यान रखेगा? माही के पेरेंट्स कहाँ रहते हैं? उन्होंने कभी जानना नहीं चाहा कि उनकी बेटी कहाँ रहती है और इतने दिनों से गायब है। पेरेंट्स होगा तो ना, पुअर चाइल्ड, सी इज एन ऑफन। माही का रूम नंबर क्या है? उसकी कोई रूममेट है क्या? रूम नंबर 5, एक लड़की उसका रूममेट है और शायद वो अभी रूम में ही होगा। थैंक यू। चलिए सर। चलिए। यस, माही बहुत अच्छी लड़की थी, सो सैड टू हियर अबाउट हर डिमाइस। क्या तुम हमें माही के बारे में कुछ डिटेल्स बता सकती हो? आई डोंट नो मच अबाउट हर, वो ज्यादा बात नहीं करती थी और मैं भी रूम पे कभी कभी आती थी। कभी कभी रूम पर आती थी मतलब? या आई एम एन एयर होस्टेस और अक्सर लेट नाइट आती थी, तब तक वो सो चुकी होती थी
और सुबह जल्दी चली जाती थी। जल्दी चली जाती थी, लेकिन कहाँ? God knows. तुमने कभी पूछा नहीं उससे? मैंने कहा ना आपसे कि we hardly spoke to each other. अब जरूरी थोड़ी ना है किसी जबरदस्ती बात करना, हमारी नहीं बनती थी, that's it. वैसे सिस्टर, माही जॉब कहाँ करती थी? She was unemployed. यही बताया था उसने कि एम्प्लॉयमेंट के लिए यहाँ पर आया है। तो वो रेंट कहाँ से देती थी? ना ही उसके पेरेंट्स है और ना ही जॉब। God knows. साला यहाँ पर हर किसी को एक ही सेंटेंस आता है, God knows. हाँ यार, हर सवाल का एक ही जवाब, God knows. अच्छा है ना सर, हमसे भी जब भट्ट सर पूछेंगे कि इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची, कोई सुराग मिला, तो हम भी बोल देंगे God knows. अच्छा है, कम से कम यहाँ आने से एक बहाना तो सीखने को मिला। सर हमें ये तो पता चल गया है कि वो लड़की कौन है और उसका अता पता क्या है, लेकिन उसके आगे हम फिर से अटक गए। पांडे तुम रोते बहुत हो, कल तक तो हमें लड़की के बारे में ये भी पता नहीं था कि वो कौन है और कहाँ रहती है, लेकिन आज हमने ये गुत्थी भी सुलझा ली है। सब्र करो, धीरे धीरे पूरा केस सॉल्व कर लेंगे। होप सो सर, अब तो उस कातिल को पकड़ने की तलब और भी ज्यादा बढ़ी। वेल डन बॉयस, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। सबसे टफ केस की पहली और बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट कड़ी आप लोगों ने सॉल्व कर ली है। थैंक यू सर। बट ध्यान रहे, बाहर प्रेस को लड़की की आइडेंटिटी के बारे में पता ना चले, वरना वकीलर अलर्ट हो जाएगा। तो सर हम उनसे कहें क्या? वही हमारा कॉमन डायलॉग। हमें बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए कि हम लोग केस सॉल्व करने के काफी करीब हैं। तो क्या हम ये मान लेंगे अहमदाबाद मर्डर की उसको जल्दी पकड़ लिया जा सकता है? डेफिनेटली, कल्प्रेट जल्दी हमारी गिरफ्त में होगा। तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि वो लड़की कौन थी? क्या उस लड़की के बारे में और कुछ पता चला? ये साला हमें ऐसे टेढ़े सवाल क्यों पूछता है जिनके जवाब हमारे पास नहीं होते? सर आपने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। कम ऑन सर, अहमदाबाद की जनता आपके जवाब का इंतजार कर रही है। देखिए, उसके लिए अहमदाबाद की जनता को थोड़ा और वेट करना पड़ेगा, एज वी कांट डिस्क्लोज एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द गर्ल। इससे कातिल और ज़रा सतर्क हो जाएगा। थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आज आप लोग कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट और खुश नज़र आ रहे हैं। क्यों, तुमसे हमारी खुशी देखी नहीं जाती क्या? अरे सर कूल डाउन, वेल थैंक्स फॉर योर विशेस। ऐसा नहीं चलेगा सर, पार्टी तो बनती है। किस बात की? हमारे मारने की? अरे छोड़िए ना सर, वो तो बेचारा अपना काम कर रहा था। अच्छा, वो थॉर के पास वाला जो तीसरा फार्म हाउस है ना संजय सर का, वही मिलते हैं आज रात को, ठीक है? डोंट वरी सर। क्या देख रहा है बे, कभी किसी को पीते नहीं देखा क्या? देखा है ना, पुलिस वालों को तो बचपन से देखता आ रहा हूँ, अब तो ये जैसे आम बात सी हो गई हो। आप लोग फिर से शुरू हो गए, कम से कम पीने का माहौल तो मत खराब कीजिए आप लोग। लेकिन बहुत बोलता है यार। खैर छोड़ो, चल तू भी पी ले। अरे नहीं सर, मैं नहीं पीता, मैं तो आप लोगों से सिर्फ मिलने आया था। हर आदमी का कोई ना कोई नशा तो ज़रूर होता है, किसी को शराब का तो किसी को शबाब का, किसी को धुएं का तो किसी को सक्सेस का। तुम्हें किसी चीज़ का नशा है? क्वेश्चंस पूछने का। मुझे नशा है सच्चाई जानने का, लोगों को इंसाफ दिलाने का, झूठ पर से पर्दा उठाने का, और यही सब नशे में करता हूँ। पांडे जी, इसकी बातों से लग रहा है कि ये हमारा स्टिंग ऑपरेशन करने आया है। ड्राई स्टेट में दो ऑफिसर्स दारू पीते हुए कैमरा में कैद। चला पता चला प्रमोशन की जगह अपना कोर्ट मार्शल हो गया। अरे डोंट वरी सर, मैं जर्नलिस्ट सिर्फ ऑफिस आवर्स में हूँ, यहाँ तो मैं आपके दोस्त की हैसियत से आया हूँ। दोस्त? हमने दोस्ती की कब? इट्स टू मच सर, वो बेचारा हमसे इतने अच्छे से बात कर रहा है और आप उससे ऐसा बिहेव कर रहे हैं। इट्स ओके सौरभ जी,
मुझे इनकी बातों का बुरा नहीं लगता, लेकिन गुंजन जी, अगर आपने एक बात नोटिस की हो तो मैंने आप लोगों के बारे में अब तक कुछ भी गलत नहीं लिखा। ये देखिए, डे फर्स्ट से मैं इस जर्नल में लिखता आ रहा हूँ, लेकिन आज तक मैंने कुछ भी आप लोगों के बारे में गलत नहीं लिखा। जबकि आप लोगों को स्टार्टिंग में कोई भी ब्रेक थ्रू नहीं मिला था, फिर भी मैंने आप लोगों के बारे में कुछ भी गलत नहीं लिखा। मैं इस जर्नल में रोज़ लिखता आ रहा हूँ इस केस के बारे में, और इसीलिए आप लोगों से मिलने आया हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे से जान सकूँ और बेहतर लिख सकूँ। सर, आप लोग बाहर से आए हैं, शायद इस केस के बाद यहाँ से चले भी जाए और पता नहीं फिर कब आए, लेकिन एज ए जर्नलिस्ट इस शहर और स्टेट की जनता को मैं बताना चाहता हूँ कि कैसे दो जांबाज ऑफिसर ने इस शहर की लड़की को इंसाफ दिलाया, उसके कातिल को पकड़ा और जुर्म के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारा। सर, मेरी लड़ाई आप लोगों से अलग नहीं है। सॉरी यार, आई नो मैं थोड़ा रूढ़ था तुम्हारे साथ, पर वो क्या है ना, जहाँ मैं पहले था वहाँ मीडिया वाले बहुत बकवास लिखते थे हमारे बारे में, तभी प्रेस वालों से थोड़ी चिढ़ सी हो गई है। आई कैन अंडरस्टैंड सर, लेकिन हर एक फील्ड में अच्छे और बुरे इंसान होते हैं, फिर चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, मेडिकल हो या मीडिया हो, लेकिन हमें हर एक इंसान को तो एक जैसा नहीं समझना चाहिए। यस, यू आर राइट। सही है, अगर हर कोई एक दूसरे को ऐसे ही समझने लगा तो लाइफ में कभी किसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, कभी खून खराबा नहीं होगा, जीरो क्राइम सिचुएशन। यार, ये नौबत भी नहीं आनी चाहिए। क्यों? फिर हम लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। वेरी वेल डन टू ऑल। हमने इस मर्डर केस को बहुत सेंसिटिवली कवर किया है, एंड ऑल क्रेडिट गोज टू रोहन। बट इट्स नॉट इनफ, अब सेंसेशनल स्टोरीज में स्पाइस डालने का वक्त आ गया है, आगे से स्टोरीज में मसाला ही मसाला होना चाहिए, समझी गया बता? यस सर। शू केवू छे रोहन, थाई जशे ने? यस सर। हाय, शू थयुं? तुम हमेशा ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठे रहते हो? क्या करूं, हमारा बॉस हमेशा जर्नलिज्म की मजाक उड़ाता रहता है और हम उसके हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा क्या कह दिया? क्यों, सुना नहीं तुमने? वो मर्डर स्टोरी में भी मसाला डालने को कह रहे हैं। अरे, उनके कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि हमें प्रेजेंटेशन थोड़ा आई कैचिंग बनाना चाहिए टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ मोर व्यूअर्स। हु आर वी? जर्नलिस्ट। उसमें भी तुम्हें डाउट है? दैट्स माय पॉइंट। हम ये भूल गए कि हम कौन हैं, क्योंकि हम वो काम कर ही नहीं रहे जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। एसपी साहब का कुत्ता खो गया, फ्रंट पेज न्यूज़। हीरोइन साइड पर चक्कर खाकर गिर गई, अगेन फ्रंट पेज न्यूज़। हम एज ए जर्नलिस्ट पिछले कई सालों से यही काम कर रहे हैं। डोंट गेट सो इमोशनल रोहन, कैची स्टोरीज बनाना आजकल का ट्रेंड बन गया है। टुडे कंटेंट से ज्यादा लोग प्रेजेंटेशन पे ध्यान देते हैं। इट्स अ नीड ऑफ एन आवर। कॉम्पिटिशन में टिकने का यही एक मूल मंत्र है। अब अपनी फिल्मों को ही देख लो, अच्छी कंटेंट वाली मूवीज को स्क्रीन ही नहीं मिलती क्योंकि उसमें स्टार कास्ट नहीं है, और दूसरी ओर ब्रेनलेस मसाला मूवीज जिसमें स्टार कास्ट के अलावा और कुछ भी नहीं होता, कंटेंट को तो तुम भूल ही जाओ, लेकिन फिल्म इंड है। लेकिन आज भी अच्छी फिल्में बनती है। सिर्फ बन रही है, टिक नहीं रही है, और आज जो टिकता है वही चलता है। उगते सूरज को सभी सलाम करते हैं, क्योंकि हर सुबह एक उम्मीद के साथ होती है, एक नया उजाला लाती है कईयों की जिंदगी में। सूरज का चमकता प्रकाश सकारात्मकता का प्रतीक होता है, और वहीं दूसरी ओर ढलते सूरज की ये दास्ता है कि उसको कोई नहीं पूछता क्योंकि उसका प्रकाश कम होने लगता है। लेकिन कभी किसी ने ये नहीं देखा कि सूर्यास्त होने के बाद भी कई समय तक सूरज का प्रकाश इस विशाल का आकाश में अपनी ढलती तेज का परछम लहराता है। व्यक्ति भी वही कहलाता है जिसके जाने के बाद भी उसका प्रकाश
उसकी हस्ती बनकर लोगों के दिलों में जगह कायम रखे। सुना था कहीं कि सोच से नजरिया बदलता है, सोच से हम दुनिया बदल सकते हैं, लेकिन जब सोच ही ना रहे तो आजकल लोगों को क्या हो गया है? अपने काम के प्रति वफादारी नहीं रहे, बहुत अफसोस होता है, दिल दुखता है। नौकरी पाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते और नौकरी मिल जाने के बाद कुछ भी नहीं करते। फिर क्यों लोग अच्छी शिक्षा अच्छी तालीम की इच्छा रखते हैं जब उसका सही उपयोग ही नहीं करना है जीवन में? समाज की इसी सोच से मैं परे हूं। हाँ सर, हम ऑफिस में ही है। जी सर। जी सर, आप चिंता ना करें। ये संजय सर भी ना सिर्फ ऑर्डर देना ही जानते हैं, ये नहीं कि हमारी थोड़ी मदद कर दे इन्वेस्टिगेशन में, लेकिन नहीं, वैसे भी काफी एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर जो है। छोड़ो पांडे जी, हमारे तो लाइफ ही ऐसी है, संडे को भी ले रहे हैं हमारी सब, पूरा हेडक्वार्टर खाली है, यहाँ तक कि चपरासी भी आज छुट्टी पर है, लेकिन हुडारो पांडे स्टिल ऑन ड्यूटी। चलिए सर, वैसे भी हमारे दर्द पे कोई मरहम लगाने वाला है नहीं सिवाय हमारे। वो भी है, चलिए फिर। क्यों रहे? कोई जंगजीत के आए हो क्या? कौन है बे तू? जानते तुम किससे बात कर रहे हो? जानता हूं, दो निकम्मे ऑफिसरों से। इतना हंस क्यों रहे थे? उस लड़की को तो इंसाफ दिला नहीं पाए, कहीं भी तो निकल साला। सर रुक जाइए, रुक जाइए सर, ये क्या कर रहे हैं? एक आम इंसान को बेवजह मार रहे हैं। सर आप लोग बहुत सेंसिटिव केस पे वर्क कर रहे हैं, कहीं मीडिया वालों को पता चल गया तो इस बात का इश्यू बना देंगे। हट सर। तुम ठीक तो हो? तुम्हें ज्यादा लगी तो नहीं? कौन हो तुम? क्यों पुलिस वालों से पंगा ले रहे हो? तुम्हें पता है ना पुलिस वाले कितने बदनाम होते हैं, किसी केस में कई सालों के लिए अंदर कर देंगे तुम्हें। पता है, बहुत अच्छी तरह से पता है। ये सालों ने ही मेरी जिंदगी बर्बाद किया, अब मुझे किसी से डर नहीं लगता। क्यों, ऐसा क्या हुआ था तुम्हारे साथ? ये एक बहुत लंबी कहानी है, तुम मुझे भी बता सकते हो, शायद मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर दूं। इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं होती क्या? तुम जनिस लोग का सिर्फ यही एक काम होता है, सिर्फ स्टोरी छापना। आदमी घायल है, उसकी किसी को नहीं पड़ी, अस्पताल तो लेके जाओ। थैंक्स। बताओ क्या हुआ था तुम्हारे साथ? 5 साल पहले इसी अहमदाबाद में मैं रहता था, आम जनता की तरह बेखौफ, तुम्हारी तरह। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग। आप ऑफिस नहीं गए? आज छुट्टी ली है। किस खुशी में? तुम्हारी खुशी के लिए। मेरी खुशी के लिए? क्यों? हाँ तुम्हें नहीं तो कहा था कि मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाता, सो आज का दिन तुम्हारे लिए। तुम कॉलेज से आओ, फिर कहीं चलते हैं। ओके ओके भैया, बाय बाय। आई विल बी वेटिंग फॉर यू। ओके
हाँ यार, एक्चुअली ना मैं अपना बैग रोशनी को देकर आई हूँ। अरे यार, उसको फिजिक्स की बुक्स चाहिए थी। ठीक है, तो तू आते वक्त लेके आएगी क्या? अभी मैं कॉलेज जा रही हूँ। ठीक है, चल। अरे यार, उसको मेरी बहन तो ठीक हो जाएगी ना सर? डोंट वरी अविनाश जी, हम आपके साथ हैं। हम आपकी बहन को कुछ नहीं होने देंगे। सारी मेडिकल रिपोर्ट्स हमारे लिए बहुत अच्छा एविडेंस है। यू डोंट वरी। थैंक यू सर। डोंट वरी अविनाश जी, मेरी डॉक्टर साहब से बात हो गई है। आप चिंता मत कीजिए, हम उस MLA के बेटे की ईट से ईट बजा देंगे। बस आप मीडिया में मत जाइए, खामखा लड़की की बदनामी हो जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और एक हफ्ते बाद मानो जैसे मेरे पैरों तले जमीन ही सरक गई। हाँ बोलिए, क्या बात है? सर, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। सर, मैं अविनाश, जिसकी बहन के साथ वो रेप हुआ था। हाँ तो क्या सर? सर, आपने कहा था कि आप एक्शन लेंगे, अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया है। अब हमारे पास सिर्फ यही काम रह गया है, रोज यहाँ रेप के 10 केस आते हैं। क्या हम रेप केस ही देखते रहे? इस देश में हर पल हर सेकंड कई रेप होते हैं। सबको तो इंसाफ नहीं दिला सकते ना, क्योंकि तुम जैसे पुलिस वाले इन हत्यारों के बिक जाते हैं। अरे सारे देश की छोड़िए सर, अपने एरिया के केस अगर ईमानदारी से सॉल्व कर दो ना, तो वही काफी होगा। खुश ना तुम लोग? अब तो कोई टेंशन है ना मेरे को? अरे सर, डोंट वरी, अब आपने अपनी टेंशन हमें जो भेज दी है। और सर, वो मेडिकल रिपोर्ट तो हमने पहले ही अंडरग्राउंड कर दी है, इसलिए आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन उस लड़के का क्या? वो लड़की का भाई? अरे सर, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, सिचुएशन इज अंडर आवर कंट्रोल। और सारे सबूत हमने मिटा दिए सर, अब उसके पास कोई सबूत नहीं बचा है। यू डोंट वरी सर, बी हैप्पी। कोई सबूत नहीं बचा है सर। खुश हो लो, जितना हो सके खुश हो लो, क्योंकि अब मैं तुम्हें दोबारा मौका नहीं दूंगी, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुबह आना चौकी पे। लेकिन सुबह तो आप जा रहे हो ना, सुबह तो आप मिलोगे नहीं ना? मिलूंगा नहीं, जा रहा हूँ, लेकिन कहाँ? जहन्नुम में।
हे यू, अंधा है क्या? दिखाई नहीं देता? अभी मर जाता तो? अभी तो आप मरने वाले हो। क्या मतलब है तुम्हारा? ये क्या बेहुदा मजाक है? बेहुदा मजाक? ये आप कह रहे हैं? शोभा नहीं देता आपको। ये क्या कर रहे हो तुम? देखो, कानून को अपने हाथ में मत लो। देखो, कानून? आपके कानून को तो हमने कल रात ही रवाना कर दिया था। क्या तुमने इंस्पेक्टर को भी मार दिया? जी हाँ। हम डॉक्टर साहब को बचा नहीं पाए। Excuse me? Yeah. Can you pour me a beer? Yeah, sure. Thanks, buddy. Go ahead. Huh? But if you don't mind, can I puri beer pee sakta? Yeah, all yours. Okay, buddy. ये बोतल में क्या मिला है? बियर में जहर मिलाया था क्या? शराब में क्या जहर मिलाएंगे भाई, शराब तो खुद में एक जहर है। मुझे पता है तूने जानबूझ के बियर में जहर मिलाया था, लेकिन क्यों? अब भाई, सांप को दूध तो पिला नहीं सकते, ज्यादा बोलो मत, मरने में तकलीफ हो। क्या हुआ? कुछ नहीं। तो क्या चाहिए आपको? चाहिए कुछ नहीं है, मैं तो करने आया हूँ। क्या करने आया? सरेंडर। मैं अपने आप को सरेंडर करने आया हूँ। किस जुर्म में? इंस्पेक्टर सुनील कुमार, डॉक्टर सुदीप रॉय और एमएलए का बेटा हेमांग रानी, इन तीनों को मैंने ही मारा। भैया, जब से आप जेल गए हैं, यहाँ रहना और भी मुहाल हो गया है। अब मैं अकेली इस समाज के तानों को नहीं झेल सकती। आप जल्दी बाहर आ जाना और अपनी एक नई जिंदगी शुरू करना। मुझे माफ करना भैया कि आपकी जिंदगी के इस मोड़ पर अकेला छोड़ के जा रही हूँ। आपकी प्यारी बहन नैया। ले, तेरे लिए खत आया है। क्या बात है, व्हाट्सएप और फेसबुक के जमाने में खत? आज के जमाने भी लोग सुफियानी तरीके से ईश फरमाते हैं। अरे हवलदार साहब, जरा नजर तो फरमाइए, कहीं सफेद कबूतर से तो खत नहीं भेजा बेगम साहिबा ने? क्या हुआ, माशू का दगा दे गई? माशू का दगा दे जाती तो इतना गम ना होता जितना बहन के मरने का हुआ।
या अल्लाह। माफ करना, मालूम न था वरना ऐसे गुस्ताखी न करता। आपकी माफी मांग रहे, गुस्ताखी तो इस कानून ने, इस समाज ने की है मेरे साथ। दगा तो किस्मत भी दे गई हमें। ये कानून और समाज तो सदियों से ना इंसाफ ही करता है मासूम पर। बताओ क्या खिदमत कर सकता ये पठान तुम्हारे लिए? भाईजान मुझे इस दलदल से निकाल दो। भाईजान बोला तुम मेरे को? मानो एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे सगे भाई ने आवाज दिया मेरे को। तू चिंता मत कर, तुम्हें हम यहाँ से महफूज जगह पहुँचा दूँ। इन पुलिस वालों के सामने पागलपन का नाटक कर, और पागलों को सज़ा नहीं होती। एक बार अदालत में प्रूव हो गया कि तू पागल है, तुझे कोई सज़ा नहीं होगी। फिर ये लोग तुझे मेंटल हॉस्पिटल ट्रांसफ़र कर देंगे, वहाँ तुझे मुश्ताक खान मिलेगा। मैं उन्हें तुम्हारे बारे में बता दूंगा और वो तुम्हें वहाँ से बाहर निकाल लेगा। समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। कुछ ही पल तो हुए थे हमें आपसे मिले हुए, और आपने मेरी इतनी बड़ी मदद कर दी। मैं आपका जिंदगी भर आभारी रहूंगा। बस अपनी दुआओं में हमें याद रखना। इस जुर्म की दुनिया में इतने दिन काटे हैं कि अच्छे और बुरे की पहचान हो गई है। तुम जैसे लोग किस्मत का मार खाकर इधर आते हैं। बस जिंदगी में एक बात याद रखना, हर इसकी मदद करना जिसे तुम्हारी तरह इंसाफ ना मिला हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और इस तरह हमें बाहर आए बाइज़्ज़त। तुम तो बड़े शातिर निकले। जुर्म के खिलाफ लड़ना है तो शातिर तो बनना ही पड़ेगा। तुमने कौन सी लड़ाई लड़ी जुर्म के खिलाफ? मैं हर पल उन दोनों ऑफिसर्स का पीछा करता था जैसा तुम करते हो। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम रोजी रोटी और ब्रेकिंग न्यूज के लिए करते हो, और मैं ये जानना चाहता कहीं दोनों ऑफिसर्स भी तो नहीं मिले किसी जुर्म के सौदागर से। अगर वो मिले होते तो मैं उन्हें वहीं मार देता। उस लड़की मुझे अपनी बहन दिखाई देती, और जब भी मैं सुनता हूँ किसी लड़की से उसका मर्डर या रेप हुआ तो मेरा खून कर उठता। मुझे लगता है कि मेरे अंदर कोई बुरी आत्मा समा गई हो, मैं पागल हो जाता। अब मेरी इस स्टोरी को अपने न्यूज़पेपर की कवर स्टोरी मत बना लेना। डोंट वरी सर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आई रिस्पेक्ट जर्नलिज्म एंड आई रिस्पेक्ट हीरो लाइक यू। आई सल्यूट यू। सर हमें ये तो पता चल गया कि वो कौन है, पर अब आगे क्या करें? ये तो मैं भी सोच रहा हूँ, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर मुझे लगता है कि शायद लड़की के बॉयफ्रेंड ने उसकी हत्या की होगी। ये तुम किस बिना पर कह सकते हो? जस्ट अ गेस। आजकल यूथ इतना क्राइम की तरफ डाइवर्ट जो हो रहा है। यार ये कोई स्ट्रांग रीजन तो नहीं हुआ, और वैसे भी प्यार करने वाले इतना बेरहमी से कत्ल थोड़ी ना करेंगे। तुम खामोगा प्यार को तो बदनाम ना ही करो। पॉसिबल है सर, शायद इस लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को प्यार में धोखा दिया हो। और ये भी पॉसिबल है कि किसी ने उसका रेप कर दिया हो और बाद में पकड़े जाने के डर से लड़की का मर्डर कर दिया हो। मे बी पॉसिबल सर, बट पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये तो कहीं पाया नहीं गया कि लड़की के साथ सेक्सुअल इनकाउंटर हुआ है। गुड पॉइंट, ये बात पर तो मैंने गौर ही नहीं किया। ओके डोंट वरी, आई हैव गॉट एन आइडिया। बोलिए सर, मैं आपकी किस तरह से हेल्प कर सकता हूँ? यार हमारे पास एक लड़की का नाम पता और फोटो है। तुम्हें यह पता लगाना है कि इस लड़की ने किस कंपनी का सिम सब्सक्राइब किया है और उसकी कॉल डिटेल्स क्या है। ध्यान रहे, ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी कॉन्फिडेंशियल है, अपने तक ही रखना, डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए। ओह ये तो वही लड़की है जिसका मर्डर हुआ था। हाँ लेकिन ये बात सिर्फ तुम तक ही रहनी चाहिए, अंडरस्टैंड? जी सर। और कब तक हमें ये डिटेल्स मिल पाएगी? आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट सर। जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी करना, ठीक है? ओके सर। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो आप? बस ठीक हो, तुम बताओ, मिलना चाहते थे हमसे? क्या करें सर,
हम जर्नलिस्ट का तो काम ही है ब्रेकिंग न्यूज़ की तलाश करना, बस उसी के लिए आया था आपके पास। सो कोई नए अपडेट मिले इस केस में? हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रूज तो मिले हैं, बट आई कांट रिवील एनीथिंग। क्यों सर? कॉन्फिडेंशियल मैटर है, नहीं बता सकता। ठीक है सर, लेकिन एक दोस्त की तरह तो आप मुझे बता ही सकते हैं। मेरा मतलब है ये मैटर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल है कि मैं अपनी बीवी को भी नहीं बता सकता। यू नो ना, ये ऑफिशियल्स मैटर कितने सीक्रेट रखे जाते हैं। बढ़िया है सर, चलो अच्छा है, कातिल बहुत जल्द ही पकड़ा जाएगा। लेकिन जब कातिल पकड़ा जाए तो हमें बताइएगा ज़रूर, कहीं उसे भी कॉन्फिडेंशियल मत रखिएगा हमसे। अरे कातिल जल्दी पकड़ा जाए इसलिए तो अभी तक इन्फॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखा गया है, और वैसे भी जब कातिल पकड़ा जाएगा तो सिर्फ तुम्हें ही नहीं सारी दुनिया को पता चलेगा। हाँ बोलो जय। क्या? ओके मैं आता हूँ। बोलो जय, क्या ढूंढा तुमने? वेल सर, मैंने कॉल डिटेल्स तो निकाल लिया उस लड़की की। गुड, बढ़िया है। सो फिर देर किस बात की? टेल अस द कॉल डिटेल्स। सर डिटेल्स तो मिल गई है, बट थोड़ा स्ट्रेंज है, कंफ्यूजिंग है। क्या मतलब? साफ साफ बोलो जय, क्या हुआ? सर सिम में एड्रेस तो सही है पर फोटो आईडी किसी और का है, और दूसरी चौंकाने वाली बात यह है कि इस सिम से सिर्फ एक ही नंबर पर कई बार बात हुई है, और जब मैंने उस नंबर की डिटेल्स निकाली तब पता चला कि ये नंबर इस लड़की के नाम पर है पर एड्रेस कोई दूसरा है। इजेंट इट टू स्ट्रेंज एंड कन्फ्यूजिंग टू? अरे ये तो माही की रूममेट है, यानी माही ने अपना नंबर अपने रूममेट के नाम पर लिया। कोई खुद का सिम किसी और के नाम पर क्यों लेगा? वही तो हमारे भी समझ में नहीं आ रहा, जबकि उसने अपने नाम पर किसी और के लिए सिम लिया। सच में सर इट्स क्वाइट स्ट्रेंज एंड कन्फ्यूजिंग। बात कुछ अटपटी जरूर है, लेकिन वेल्डन आप लोग अच्छा कर रहे हैं, कीप गोइंग ऑन। सर मुझे लगता है कि जो दूसरा नंबर माही के नाम पर है वो सिम जिस किसी के पास है कातिल वही है। लेकिन सवाल यह है कि वो सिम है किसके पास, या वो माही का कौन हो सकता है? डेफिनेटली कोई करीबी होगा, तभी तो उस नंबर पर ज्यादा से ज्यादा बात करती थी। शायद उसका बॉयफ्रेंड या फिर कोई और करीबी। बॉयफ्रेंड के अलावा और कौन हो सकता है करीबी? कोई भी, कोई सहेली, कोई बेस्ट फ्रेंड या फिर कोई कजिन। लेकिन सर हमने पता लगाया कि लड़की का कोई रिश्तेदार नहीं है, वो अनाथ है। तब तो शक की सुई सीधे उसके बॉयफ्रेंड पर ही जाती है। अब आपके मिशन का अगला ऑब्जेक्टिव होगा माही का बॉयफ्रेंड कौन। साला कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, एक उलझन को सुलझाओ तो दूसरी सामने खड़ी हो जाती है, गुत्थी पर गुत्थी। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा यार। ऐसा क्या हुआ है सर? अगर आपको कानून इजाजत दे तो क्या मैं जान सकता हूँ व्हाट इज हैपनिंग? देखो इस वक्त तो मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ कि वी आर लुकिंग फॉर हर बॉयफ्रेंड, उस लड़की के बॉयफ्रेंड का पता लगाना है बस। व्हाट्स अ बिग डील, जब आप लड़की तक पहुंच ही गए हो तो उसके बॉयफ्रेंड तक पहुंचना आई डोंट थिंक इट्स सो टफ। पता नहीं यार ये मुश्किल है या नहीं, बट आई एम फेड अप विद दिस केस यार। डोंट वरी सर, आप बहुत जल्दी उस कातिल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन कब? कब वो दिन नसीब होगा जब उस कातिल गर्दन हमारी मुट्ठी में होगी? बहुत जल्द। वो कहावत है ना सर कि सब्र का फल मीठा होता है। देखना रोहन, जितना वो कातिल अभी हमें तड़पा रहा है ना उतना ही हम उसे तड़पाएंगे जिस दिन वो हमारे हाथ लगेगा। हीरो को जीतने का मजा तभी आता है जब विलेन शातिर हो, और विलेन कितना भी शातिर क्यों ना हो मात तो वो हीरो से ही खाता है। बिल्कुल सर।
कौन हो तुम? तुम्हारी ये मजाल, जानते मैं कौन हूँ? जानता हूँ तुम कौन हो, तभी तो यहाँ उठा के लाया हूँ। जानता हूँ कि तुम एक बेवकूफ ऑफिसर हो। साले तू, मारा तो उस दिन भूल गया क्या? हो तो उस दिन का बदला लेने के लिए तू मुझे यहाँ उठा कर लाया है। सही कहा था मैंने कि तुम एक बेवकूफ ऑफिसर। अगर मुझे तुम्हें मारना होता तो वहीं पे मार देता, यहाँ नहीं लाता। जब मुझे किसी ने तुम्हें उठाते हुए नहीं देखा तो मारते हुए कौन देखता? सोचो सौरभ सोचो, तुम्हारा यही एक प्रॉब्लम है कि तुम सोचते नहीं और गुस्सा जल्दी हो जाते हो, इसीलिए अहम बातों पे गौर नहीं करते। इन्वेस्टिगेशन में आदमी को गर्म नहीं ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो मुझसे? तुम्हें रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो तुम देख नहीं पा रहे। What do you mean? साफ साफ कहो। श्योर। केस की मुश्किल कड़ियाँ तुमने ऑलरेडी सॉल्व कर दी, नो केस इज क्रिस्टल क्लियर, तुम्हें अभी भी नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा तो केस सॉल्व करने की टिप्स, अब मुझे तुझ जैसे कबाड़ी से लेनी पड़ेगी। अब क्या करें, लोगों को बोलने का मौका तो हम ही देते हैं। देखो शब्दों में उलझाना बंद करो और कहना क्या चाहते हो ये बताओ। श्योर। इस केस की कुंजी तुम्हारे आसपास है। यू आर वेरी क्लोज टू द केस, वेरी क्लोज। क्या पहली है? कुंजी? वेरी क्लोज टू द केस मतलब? अब पहली को सुलझाना तो आपका काम है। अहम सुराग जिसकी आपको तलाश है वो आपके आसपास है। सर ठंडे दिमाग से सोचिए, यू विल गेट योर आंसर। ठंडे दिमाग से। यू आर सस्पेक्टिंग मी? नहीं हमने ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन हाँ अभी तक क्लीन चीट भी नहीं दी। देखिए जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता तब तक हमारे लिए सब शक के ही दायरे में रहते हैं। व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी? आंसर्स टू सिंपल क्वेश्चंस। ओके फाइन आस्क। माही का सिम आपके नाम पर कैसे और क्यों है? जबकि आपका कहना था कि आपकी उससे बहुत कम बात हुआ करती थी, लगभग ना के बराबर। हाँ, तो आई वुड स्टिल से दैट। तो फिर आपके नाम पर उसका सिम कैसे हुआ? जब वो नई नई यहाँ आई थी, शी आस्क्ड मी फॉर अ फेवर, सो आई हेल्प्ड हर। पहली मुलाकात में? सो व्हाट, मुझे क्या पता था कि उसका मर्डर होने वाला है। नो आई मीन पहले ही मुलाकात में कोई भी इजीली अपने आईडी से किसी को सिम क्यों देगा? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन सर, यहाँ आने वाली हर लड़कियों का बैकग्राउंड चेक करने के बाद ही उन्हें एडमिशन दिया जाता है। ओनली जेन्युइन गर्ल्स कम हियर टू स्टे। और वैसे भी माही इज अ विक्टिम नॉट एन अक्यूज्ड, सो आई हेल्प द जेन्युइन पर्सन। बट द स्ट्रेंज थिंग इज दैट माही के नाम पे जो दूसरा सिम मिला है जिस पर वो अक्सर बात किया करती थी, लेकिन एड्रेस यहाँ का नहीं है। डू यू नो समथिंग अबाउट इट? व्हाट अ फनी क्वेश्चन यू आर आस्किंग मी सर। जो सिम मेरे नाम पे उसके बारे में तो आप मुझसे पूछ ही रहे हैं, बट जो सिम माही के नाम पे उसके बारे में भी आप मुझसे ही पूछ रहे हैं। व्हाट अ जोक। नो आई मीन इफ यू नो समथिंग अबाउट इट। और नहीं तो क्या, इसमें फनी क्या है? अब जो जिंदा है उन्हीं से तो पूछेंगे। कभी सुना नहीं क्या, मुर्दे बोला नहीं करते। ये लड़की बहुत चंट है यार, हमें तो एक बार को ऐसा लगा जैसे हम उससे नहीं वो हम ही सवाल जवाब कर रही हो। पांडे जी आजकल की लड़कियां बहुत बोलती है, इसलिए पुराने जमाने में लोग लड़कियों को चार दीवार के अंदर कैद करके रखते थे, तभी काबू में रहती थी वो। और आजकल और पढ़ाओ लड़कियों को, शर्मो हया को तो वो कोसों दूर छुड़ाई है। सही है उड्डा जी, अभी एक आफत घर पे ही बैठी है जो रोज लड़ने पर ही उतारू रहती है। वी कांट ब्लेम एनी वन फॉर दैट, क्योंकि उस आफत को तो हमने ही गले लगाया है। हाय अमनी, कैसी हो? आपको जरा सा भी अंदाजा आप कितने दिनों के बाद आ रहे हो? या आई नो, सिर्फ एक ही दिन तो घर नहीं आया था। सिर्फ एक दिन? आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता।
देखो यामिनी, छोटी सी बात का बतंगड़ मत बनाओ तुम। छोटी सी बात? आप एक दिन घर ही नहीं आते, ना ही कुछ कह के गए, ना ही फोन पर इन्फॉर्म किया, और ना ही आपका फोन लग रहा था, पर आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यार आई नो, मेरी गलती थी, आई शुड हैव इन्फॉर्म्ड यू, बट सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी, ऊपर से काम का इतना बर्डन, तुम्हें तो पता है ना। आप अनोखे काम करते हो क्या? चलो उस दिन की बात ले लो, क्या कहा था आपने, याद है जब मैंने कहा था आज साथ में डिनर करने चले, आपने कहा था हाँ मैं फ्री हूँ, तुम रेडी हो जाओ, हम साथ में खाना खाने चलते हैं। फिर कहाँ गायब हो गए थे तुम? एटलीस्ट इन्फॉर्म तो कर सकते थे, मैं पागलों की तरह रेडी हो गई थी उस दिन। सॉरी यामिनी, मैं अपनी गलती मानता हूँ, बट प्लीज अभी शांत हो जाओ प्लीज। नो डाउट हर बॉयफ्रेंड इज ओनली द कल्प्रिट। जी सर, हम उसी को ढूंढ रहे हैं। व्हाट डू यू से सौरभ? आर यू ऑन द सेम पेज मिस्टर पांडे? यस सर। व्हाट? यस सर, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। सर मुझे लगा जैसे आपने कुछ पूछा हो मुझसे। लुक सौरभ, यदि कोई बात तुम्हें परेशान करती है तो यू कैन आस्क मी। क्या हुआ, नींद पूरी नहीं हुई? नहीं सर, वो बात नहीं है, कल रात को बीवी से थोड़ा झगड़ा हुआ था बस। मे आई नो वाई? नथिंग सर, बस वही, ये केस की वजह से थोड़ा घर की तरफ ध्यान नहीं दे पाया इसलिए। लुक, ये तुम्हारा पहला केस है और आगे करियर में न जाने ऐसे कई केस आएंगे। अगर आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को ठीक तरह से बैलेंस नहीं कर पाते हो तो यू आर इन बिग शिट। फिर भी आप अभी नए हैं, अभी अभी आपकी शादी हुई है, आप चाहे तो इस केस को छोड़ सकते हैं। नो सर, आई एम फाइन, मैं इस केस को हैंडल कर सकता हूँ, आई हैव नो प्रॉब्लम सर। यामिनी, तुम कहीं जा रही हो क्या? हाँ, वो मैंने लेडीज क्लब ज्वाइन किया है, आज किटी पार्टी है वहाँ। ओह, मैं आज फ्री था तो मैंने सोचा आज कहीं बाहर चलते। मुझे क्या पता आप कब फ्री होते हो, उस दिन भी तो आप फ्री थे, हम बाहर जाने वाले थे फॉर डिनर। देखो यामिनी, मुझे भी कोई शौक नहीं है, मेरी भी इच्छा होती है कि फैमिली वालों के साथ टाइम स्पेंड करूँ, लेकिन सबसे पहले मेरा फर्ज है, मेरी जिम्मेदारी है, हाउ कैन आई इग्नोर दैट। फाइन, जाओ, तुम तुम्हारा फर्ज अदा करो, मेरे पास क्यों आए हो? लुक यामिनी, आई अग्री कि मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये केस मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है और हर किसी को ऐसे केस नहीं मिलते अपने करियर की शुरुआत में, एंड आई एम वेरी लकी कि मुझे ऐसा मौका मिला, बट प्लीज कोऑपरेट विद मी। वाई शुड आई ऑलवेज कोऑपरेट, मैं ही क्यों? बाकी लोगों के हस्बैंड्स भी तो पुलिस में हैं, क्राइम ब्रांच में, पर वो तो अपनी फैमिली को निग्लेक्ट नहीं करते। निग्लेक्ट? तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो? बहुत अच्छी तरह से, जब से शादी हो तुम एक दिन पे घर पर नहीं टिके, मुझे तो लगता है मैं तुम्हारी बीवी नहीं मिस्ट्रेस हूँ, जिसे तुमने घर का ध्यान रखने के लिए रखा है। What do you want? आपका थोड़ा सा कीमती वक्त, इससे ज्यादा मैं आपसे कोई उम्मीद नहीं रखती। आई मीन आई रिस्पेक्ट योर प्रोफेशन and you also, and yeah, I'm always with you. Don't worry, it happens. ये सब तो चलता रहता है। हाँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ यार। इस कलयुग में हर कोई परेशान है, कोई अपनी लाइफ से तो कोई अपनी वाइफ से, it's a part of life यार। सही है सर, वो कहते हैं ना, जिसने शादी का लड्डू खाया वही पछताया, और जिसने नहीं खाया वही पछताया। काफ़ी समझदार हो गए हो आप। बस ये केस सॉल्व हो जाए और उस कातिल को पकड़ लें, तभी चैन मिलेगा हमको। हाँ यार, बहुत हो गया, ये केस तो टेस्ट मैच की तरह चले ही जा रहा है, बस अब जल्द ही मंजिल को पाना है, कुछ कर दिखाना है, कातिल को ढूंढ निकालना है। वाह वाह, क्या बात है सर, ये तो एक कविता बन गई।
सर माही के नाम पे जो सिम था जिसका एड्रेस दूसरा था, हाँ अभी तक हम वहाँ गए नहीं, मैं वही जा रहा हूँ, शायद वहाँ कोई सुराग मिल जाए। ओके सर, मैं आकर आपको अपडेट्स देता हूँ। कुछ तो बहुत बड़ा लफड़ा लग रहा है, गुंजन सर को बुला लेता हूँ। साला नेटवर्क भी नहीं आ रहा है यहाँ पे। अरे तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? भूल गए सर, हम तो जर्नलिस्ट हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ की तलाश में कहीं पे भी प्रकट हो जाते। अच्छा, तो तुम अब भी इस स्टोरी कवर कर रहे हो? जी सर। अच्छा, बहुत अच्छे, आखिरकार तुम कातिल तक पहुंच ही गए, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाए। आपका भी मैं वही अश्य करूंगा जो मैंने माही का किया था। फिर पुलिस एक और मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करने में लग जाएगी। मैं हुडा सर का भी वही हाल करूंगा जो मैंने तुम्हारा किया था, एक मर्डर मिस्ट्री के पीछे दो और मर्डर मिस्ट्री। अहमदाबाद पुलिस तो पागल रही जैसे। चलो, जब आप मरी रहे हो तो मैं तुम्हें बता देता हूं कि वो लड़की कौन थी। वो मेरी गर्लफ्रेंड थी। मैं उसे बहुत प्यार करता था। हेलो वार्डन, कहाँ है? मुझे रूम नंबर 5 में जाना है। वो नहीं है, आप चले जाइए, रजिस्टर में एंट्री कर देना। माय बॉयफ्रेंड इज सो स्टूपिड, व्हाट टू से नाउ। उसे अपनी उंगलियों पर नचाने का जो मजा आता है ना, ऐसा लगता है कि वो पिंजरे में बंद कोई शेर है और मैं रिंग मास्टर। वो इतना इजीली मुझ पर विश्वास जो कर लेता है, तो मैं उसकी इसी बात का फायदा उठा लेती हूँ। फिर क्या था, मैंने उसे एक दिन बुलाया और माही आज तुम्हारे प्यार की अग्नि परीक्षा। मतलब? मान लो इस ड्रिंक में जहर मिला हुआ है, If you love me, you will drink it, or else. Oh, ऐसी बात है, फिर तो आज मुझे पीना ही पड़ेगा। Good. बेचारी वो, उसे तो ये तक नहीं पता था कि मैं उसकी असलियत जान चुका हूं। Oh.
फिर अगली सुबह मैंने उसकी बॉडी का काम तमाम कर दिया, बोटी पोटी कर दी मैंने। और रेस्ट इज द हिस्ट्री। तुम्हें क्या लगा था इतनी आसानी से मार लोगे मैं? हाँ तुम्हें क्या लगा था अबे इन हथियारों से ना बचपन से खेलते आ रहे, समझा? लेकर जाओ उस साले को। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, लेके जाओ उस साले को। तुम ठीक तो हो? हाँ सर, मैं ठीक हूँ। तुम्हें पता कैसे चला कि यही है वो? इत्तेफाक से सर, कल शाम को जब अपने रूम में थे तो हमने पिछले 10 दिनों के जर्नल्स देखे और उसमें मैंने पाया कि इसने तो इस स्टोरी को कवर ही नहीं किया पिछले 10 दिनों से, जबकि ये लगातार हमसे अपडेट्स ले रहा था इस केस के बारे में। जब मैं इसके ऑफिस गया तो वहां भी मुझे यही पता चला कि वो तो इस स्टोरी को कब का छोड़ चुका है। सर, वो तो बहुत पहले से ही स्टोरी को कवर करना छोड़ चुका है। और तो और, उसे रोज रोज एक ही स्टोरी कवर करना डकोसला सा लगता था, एक मजाक लगता था। ये सब उसके जर्नलिज्म एथिक्स के ही खिलाफ था। आई कांट बिलीव दैट ही वाज फॉलोइंग यू एवरीडे फॉर दिस मर्डर स्टोरी। और यहां भी, जब मैंने उससे पूछा कि तुम अब भी इस केस को कवर कर रहे हो, तब उसने मुझ पर हमला कर दिया क्योंकि ये जान चुका था कि मैंने उससे ऐसा क्यों पूछा। लेकिन तुम अकेले क्यों निकल पड़े? सर, जब हमें पता चला कि वो हमसे डबल क्रॉस कर रहा है, हमारी तो सटक गई। अरे एटलीस्ट हमें तो इन्फॉर्म कर देते। इन्फॉर्म करने वाला था सर, लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे हूँ? शायद जब तुमने कॉल किया वो कॉल डायल पे ही रह गया और हमने पूरी बातें सुन ली, बस फिर निकल पड़े। शुक्रिया सर। बाय द वे, कांग्रेचुलेशंस पांडे जी, फाइनली हमने ये केस सॉल्व कर लिया है। थैंक यू सर। पागल छू, पागल छू, पागल छू।
क्या लगा आपको कि फिल्म खत्म हो गई? जब आप मर ही रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि वो लड़की कौन थी। दरअसल वो मेरे भाई की गर्लफ्रेंड थी। सो हीरो, कॉलेज जाने के लिए इतना जोर शोर से तैयार हो रहे हो, कोई गर्लफ्रेंड मिल गई क्या? हाँ भाई, एक छोकरी से ना बहुत गमज है। सारू ध्यान रख जे, बढ़वानू पहला, लड़की के चक्कर में पढ़ाई इग्नोर नहीं होनी चाहिए। हाँ भाई बिल्कुल। हे व्हाट्स अप, यू आर लेट। सॉरी, यू नो ना ट्रैफिक इतना था, मैं क्या करता। ऐसा क्या, इट्स ओके, यू आर सो स्वीट बेबी। What are you doing? कितनी बार गया तुम्हें? I don't like this. अरे पब्लिक में शुरू हो जाती हो, सर आजू बाजू देखा तो करो। ओह, मेरे बेबी को बुला लगा क्या? Enough माही। You're so cute यार। I don't like to be treated like this. Okay? Okay fine. Grow up. What to do? You behave like a small child. You even look like a small child. Maturity ही नहीं है तुम्हें। First build some maturity in your personality. मुझे भी अपने बॉयफ्रेंड को बेबी बेबी बुलाना पसंद नहीं है। इवन आई लाइक मैच्योर मैन। जो ध्यान रख दे, हूँ बे तीन दिवस माटे बाहर जाऊँ छू, एक इम्पोर्टेंट स्टोरी कवर करवा माटे, संभाली ने रहजे। जी भैया, यू डोंट वरी। हे आओ माही। भैया ये माही है, मेरी माही, ये मेरे बड़े भाई है। हाय। हाय, केम छो? फाइन। सो पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? अच्छी चल रही है। देखो, तुम अभी कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रहे हो, ऑल गुड, लेकिन जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी चीज़ है। और पढ़ाई को कभी निगलेक्ट मत करना, बिकॉज दैट्स गोना मेक योर लाइफ। चलो मैं चलता हूँ। हे, क्या हुआ? कुछ नहीं। हे, क्या सोच रही हो? Your brother is so mature, na? What? Yeah, I have fallen in love with him. He's so mature. He talks mature. He looks mature. What the hell are you talking about? Sorry, yaar, but I want to break up. I don't want to drag this relationship like this. You don't have those qualities which I want in my man. So, tumne mujhe propose kyun kiya? Kya us waqt mujhe sab quality nahi dikhi thi? Yeah, us waqt when I proposed you. I felt you were perfect, but now I feel it was just an infatuation and attraction. गौरव, भैया
वो लड़के ने मुझे धोखा दे दिया। मैं आपका प्रॉमिस नहीं रख पाया। मैंने माफ कर दो भैया, गौरव, गौरव, मैं उस माय को नहीं छोड़ूंगा। आई विल किल दैट बिच। मुझे समझ में नहीं आता कि आजकल के टीनेजर्स के प्यार की परिभाषा क्या है। आई लव यू तो बड़ी आसानी से कह देते बिना सोचे समझे, बाद में पता चलता है लड़की के लिए लड़का परफेक्ट नहीं है या लड़के के लिए लड़की सूटेबल नहीं है। ये सब आई लव यू बोलने से पहले क्यों नहीं सोचते? इनके इसी एटीट्यूड की वजह से ये लोग अपनी लाइफ पर बात कर देते हैं। वेल डन सौरभ पांडे, आपने और गुंजन ने करके दिखा दिया। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। हमें काफी खुशी हो रही है कि एट लास्ट हमने एक केस सॉल्व कर ही लिया। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मुजरिम की कोई खास पहचान नहीं होती, वो हमारे अंदर ही होता है। पहले अनपढ़ लोग, अनएजुकेटेड लोग रेप और मर्डर जैसा क्राइम किया करते थे, लेकिन आजकल तो वाइट कॉलर एजुकेटेड लोग भी क्रिमिनल मेंटेलिटी के होते जा रहे हैं। वेल, हम कोशिश करेंगे कि आगे से कोई भी वारदात अहमदाबाद माफ कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कि अब आगे से कोई भी वारदात अहमदाबाद जंक्शन पर ना उतरे। थैंक यू। चलता है वो खौफ का एक साया बन तेरी ओर बढ़ता है वो अंधेरी इन राहों पे खौफ चलता है वो खौफ का एक साया बन तेरी ओर बढ़ता है वो खून का है प्यासा वो किसी से ना डरता है वो खौफ का एक साया बन तेरी ओर बढ़ता है वो मौत का है वो साया तेरी मौत का है वो साया मौत का है वो साया तेरी मौत का है वो साया ना कोई डर उसे ना कोई है फिकर बच उसे ना पाएगा जाएगा अब तू किधर ना कोई डर उसे ना कोई है फिकर बच उसे ना पाएगा जाएगा अब तू किधर भाई
भाग के जो तू जाएगा तेरे संग ही वो आएगा। खौफनाक इन राहों पे मौत ही तू पाएगा। मौत का तेरी मौत का है वो साया, मौत का है वो साया, तेरी मौत का है वो साया।